अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। उत्तर प्रदेश के सपा सांसद आजम खान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ उन्हें बेटे के जाली और दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीम फातिमा के साथ जेल जाना पड़ा, वहीं दूसरी तरफ आजम खान पर शत्रु संपत्ति कब्जाने का मुकदमा भी अब दर्ज हो गया है। दरअसल आजम खान पर उनकी रामपुर स्थित जौहर यूनिवर्सिटी में शत्रु संपत्ति पर चार दीवारी कर कब्जा करने का आरोप लगाया गया है। राजस्व निरीक्षक मनोज कुमार ने यह आरोप सांसद आजम खान पर लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया। इस मुकदमे के बाद यूपी सरकार ने आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को अपने कब्जे में लेने का प्लान बनाया है। इसी के तहत जिला प्रशासन ने राज्य शासन को जौहर यूनिवर्सिटी को सशक्त नियंत्रण में लेने का प्रस्ताव भी भेजा। आपको बता दें, जौहर यूनिवर्सिटी 78 हेक्टेयर के जमीन पर बनी है, जिसमें से 36 हेक्टेयर जमीन सरकारी या सरकार से जुड़ी है। वह यूनिवर्सिटी में करीबन 168 करोड़ रुपए लगे हैं, जिसमें 88 करोड़ से ज्यादा सरकारी पैसा इस्तेमाल हुआ है। MDCT के मुताबिक 9 सदस्य समिति ने अपनी एक रिपोर्ट में इन आंकड़ों को बताया है। आजम खान पर IPC की धारा 447 और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 2 और 3 में इस मुकदमे को दर्ज कराया गया। इस खबर में बस इतना ही, तब तक देखते रहिए फर्स्ट बाइट।